सो आज की क्लास में अब से पहले तक हमने इसमें मटेरियल अब दे दिया है, लाइटिंग वगैरह भी सेट कर दी है, सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। अब आज की क्लास में हमने क्या करना है, इसका रेंडर लेना है। बट रेंडर लेने से पहले हम लोग हाई क्वालिटी रेंडर अगर लेना चाहते हैं जिसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आए, तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स हैं जो कि हमें करनी पड़ती हैं। हाँ, सिस्टम स्पेसिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए तो रिज़ल्ट जल्दी मिलेगा। तो उसके लिए मैं मटेरियल को एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मैंने क्या क्या इस मटेरियल को पिक किया, और यहाँ से इस पे गए मटेरियल पे रिफ्लेक्शन वगैरह को आप चेक कर सकते हो। ये ग्लॉसी हमें फिनिश चाहिए तो मैंने इसके रिफ्लेक्शन को भी और रिफ्लेक्शन कलर को भी आगे किया हुआ है। आप चाहो तो इसको डल करके थोड़ा सा ब्लैकिश इमेज अगर चाहो तो ऐसे डल करके ले सकते हो, बट हमने इनको ग्लॉसी इफेक्ट आगे दे रखा है। नेक्स्ट मैंने बॉटम फ्लोर का मटेरियल चेक किया, फ्लोर के मटेरियल पे भी रिफ्लेक्शन प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, कट कर दिया। देन हमने इसके टॉप के मटेरियल को क्लिक किया, इसको चेक करते हैं, इसका भी रिफ्लेक्शन ठीक है, हमारा ग्लॉसीनेस पे आ रहा है, ठीक है। तो मटेरियल्स हमारे ऑलमोस्ट ठीक हैं। जो हमारे कवर्ड के मटेरियल हैं इनको हम थोड़ा सा रफ़ टेक्सचर देंगे, तो आप देख सकते हो इसमें मैंने रिफ्लेक्शन कलर को डल किया हुआ है, ठीक है। बाकी सारा हमारा ठीक है। इसमें हमने ग्लासेस में फ्लूटेड दिए हैं, अंदर हमने लाइट्स दी हुई हैं, इधर की तरफ भी लाइट्स दी हुई हैं, यहाँ नीचे भी हमने लाइट्स दे रखी है। लाइट्स को अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो आप यहाँ से इन लाइट्स के पैरामीटर में चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो इसमें दिख भी जाएगा, हमने लिखा हुआ भी काउंटर लाइट्स कौन सी हैं। अब उनकी इंटेंसिटी आपको कम लग रही है, आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंटेंसिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हाई क्वालिटी मटेरियल रेंडर लेने के लिए आपको यहाँ से सबसे पहले सेटिंग्स पे जाना है। अगर आपके पास डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है तो आप उसको RTX पर रखोगे, क्वालिटी हाई रखनी है। अपडेट इफेक्ट को फास्ट कर दिया, डिनोइज़र को इससे हटा के हमने वीरे कर दिया, वीरे डिनोइज़र ज़्यादा बेटर रहता है। इमेज रेजोल्यूशन भी हमने हाई कर दिया, जैसे हमने इसको 1800 का कर दिया, 1800, या यहाँ से इसको 1500 कर दिया। अब जो इमेज मिलेगी वो बड़ी इमेज मिलेगी जिससे हमें ज़्यादा बेटर इफेक्ट शो देखने को मिलेगा। वॉल्यूमेट्रिक इफेक्ट में जाके इसको ऑन कर लिया, ग्लोबल एलिमिनेशन को ऑन कर लिया, ठीक है। देन इतना सब करने के बाद रेंडर पैरामीटर अभी हमारा क्योंकि इंटरेक्टिव ऑन है तो बाकी एलिमेंट हमारे ओपन नहीं होंगे, इतने में हम करके पहले एक इंटरेक्टिव रेंडर को चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है। हमने इंटरेक्टिव रेंडर पे क्लिक किया और अभी क्लियर होगा, जैसे आप देख सकते हैं नीचे कंपाइलिंग हो रही है। कंपाइल जब पूरा हो जाएगा तो ये एक हमें रे ट्रेस करके इम्पैक्ट एक बेसिक एलिमेंट का रिजल्ट हमें देगा कि कैसी कैसी फिनिश होके दिखने वाला है हमें एलिमेंट। डिनॉइजिंग की वजह से आप देखोगे तो ये थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रिड्यूस होता रहेगा। हम यहाँ पे एक बार इमेज के रेस्पेक्ट में हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो मटेरियल दिया है क्या उसका इफेक्ट प्रॉपर आ रहा है, ग्लॉसीनेस है, उसकी डलनेस है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो जब इंटरेक्टिव में चेक कर रहे हो आप, ठीक है। कहीं लाइट कम करनी है, कहीं ज़्यादा करनी है, वो भी आप यहीं से चेकअप कर सकते हो, ठीक है। जब हमारी लाइट्स वगैरह का सारी एलिमेंट्स का चेकअप हो जाता है कि हाँ जी सब चीज़ ठीक है हमारी, तो हम उसके बाद क्या करते हैं, फाइनल रेंडर के लिए प्रोसेस कर देते हैं। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे फूड प्रोसेसर यूनिट को छुपा रहा है, मैं ये एप्पल की जो बास्केट है इसको हम टेबल के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि हमारे शो को इसके लुक को थोड़ा सा छुपा रही है कैबिनेट्स को। तो हमारा मटेरियल तो ऑलमोस्ट ठीक ही आ रहा है, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, ऊपर से हमारी सीलिंग की लाइट्स भी आ रही हैं, ये भी ठीक है, ये वाली लाइट्स भी हमारे ठीक आ रहे हैं। तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, मैंने इसको कट किया, क्लोज़ किया, और जब मटेरियल सारी चीज़ सेट हो गई है, इंटरेक्टिव भी हमने चेक कर लिया, मैं एक काम करता हूँ, मूवमेंट में जैसे कि अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा लैग हो रहा है, तो मैंने इसके लिए शेडो को ऑफ़ कर दिया। शेडो ऑफ़ करने के बाद इसको थोड़ा सा साइड कर दिया और इसको यहाँ से मूव करके हमने इस सरफेस के ऊपर रख दिया और इसको वापस से पीछे ले आया, ठीक है। एंड हमने वापस से अपने किचन वॉल पे क्लिक कर दिया, हमने एक एनिमेशन स्क्रीन पहले से सेट की हुई थी, वापस से हमने उस पर क्लिक कर दिया जिससे उसी व्यू पे हम अगेन वापस आ जाएंगे।
अब यहाँ से आपने अपनी इमेज का रेजोल्यूशन सेट कर लेना है कि क्या चीज़ आप अपने इमेज के अंदर चाहते हो। आपको कोई चीज़ मूव करनी है, कैमरा को मूव करना है, आप उसको मूव कर सकते हो। लो एंगल रेंडर लेना है तो आप यहाँ से आई पे क्लिक करके रेंडर्स की हाइट भी यहाँ से बता सकते हो। मैंने कहा मुझे जो कैमरा है वो 4 फिट पर रखना है, तो आप यहाँ से 4 फिट लिख के एंटर कर सकते हो, आपका कैमरा 4 फिट पर सेट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा जूम करके लूँ, तो मैंने जेड टाइप किया, जूम कमांड लग गया, माउस की राइट क्लिक ड्रैग करके आगे की तरफ माउस को मूव किया। अभी थोड़ा सा इसेंट्रिक हो गया क्योंकि ये कर्टन्स है, कर्टन्स हमें लेने की ऐसा कोई नीड है नहीं, तो हमने इसको हल्का सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया। वापस से जेड लिखा और इधर आ गए हम, ठीक है, ये वाला व्यू पे रखा। अब जब व्यू सेटअप हो गया हमारा, मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक करके अपडेट कर दिया, जिससे कि अब ये वाला व्यू अपडेट हो जाएगा, और कैमरा को जाके मैंने 2D प्रस्पेक्टिव कर दिया। इतना करने के बाद वापस से एक बार इंटीग्रेटेड प्रीव्यू पे चेक किया, क्या इस व्यू पे सारी चीज़ प्रॉपर आ रही है या नहीं, उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर सब कुछ ठीक होगा तो बस फिर फाइनल रेंडर के लिए डाल देंगे इसको प्रोसेस में, और ऑलमोस्ट ठीक ही लग रहा है सब कुछ, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं प्रस्पेक्टिव, वो उसमें इंटीग्रेटेड में रे ट्रेस होने के बाद। और जैसे कि आप देख सकते हो, धीरे धीरे डिनॉइजिंग की वजह से ये एलिमेंट जो है वो क्लियर होते जा रहे हैं। जितनी अच्छी डिनॉइज़र यूज़ होगा उतना ही वो ब्लैक पॉइंट जो होते हैं वो रिड्यूस होते जाएंगे। बट सारा इफेक्ट आपका क्या होगा, लाइट का और मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ का है। जैसा आपने मटेरियल लिया हुआ है, रिफ्लेक्टिव है, नॉन रिफ्लेक्टिव है, ग्लॉसीनेस है उसमें, रफनेस है, उसी तरीके से उसका रिजल्ट भी शो होता है, ठीक है। और अगर हम कॉस्मॉस के एलिमेंट डालते हैं तो उनकी मटेरियल क्वालिटी बहुत फाइन आती है। जैसे आप देख सकते हो ये कॉस्मॉस के एलिमेंट है, बट ये हमने क्रिएट किया हुआ है मटेरियल, नीचे वाला मटेरियल क्रिएट किया हुआ है, ये हमने वेयरहाउस से डाले हुए थे, तो इनके भी कोई खास बुरे नहीं आ रहे। हाँ, सुपर फाइन क्वालिटी के लिए हमें मटेरियल को बहुत इफ़ काम करना पड़ता है मटेरियल पे, तभी वो ज़्यादा उतना अच्छा निकल के आएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और करता हूँ, इसके जो कुशनिंग है उनको बीच से कन्वर्ट करके थोड़ा सा आइवरी वाइट में कन्वर्ट करते हैं हम। तो उसके लिए मैंने, बाकी सब तो ठीक ही दिख रहा है हमें, सो हम इसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं यहाँ पे, इसको कट किया, मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, मटेरियल को पिकअप किया, मटेरियल पिकअप करने के बाद यहाँ पे गए और यहाँ से हमने मटेरियल को ऑफ वाइट ले लिया थोड़ा सा, ठीक है। आप मटेरियल में चेंजेस यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे आपको ऑफ वाइट चाहिए हो तो आप यहाँ से भी कलर्स में चेंजेस कर सकते हैं। मैं कट किया, अब इफ़ेक्ट के लिए आपको वापस से क्या करना होगा, जब भी हम चेंजेस करेंगे हमें इफ़ेक्ट देखना है तो हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड प्रीव्यू पे जाके चेक करना पड़ेगा। अब देखोगे बहुत ज़्यादा वाइट हो गया ये, है ना। सो हम इसको स्टॉप करते हैं, कट किया मैंने, वापस से एडिट पे ही गए, कलर व्हील पे गए, थोड़ा सा डल कर दिया हमने इसको, अब चेक किया, अच्छा, मैं नहीं चाहता हूँ सिस्टम पे ज़्यादा लोड हो, तो हम यहाँ से हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया। अब क्या होगा, हमें जो इंटरेक्टिव रेंडर दिखाएगा वो सिर्फ उस इमेज के प्रस्पेक्टिव में दिखाएगा, इससे हम जल्दी जल्दी अपने इफ़ेक्ट को चेकअप कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा और डल किया, देन यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन उसने रिज़ल्ट दिखाया। ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट ठीक है, तो मैंने इसको स्टॉप किया, मैंने कट किया और वापस से इंटरेक्टिव क्लिक किया, इंटरेक्टिव क्लिक किया, अभी आप देखोगे तो उतने रेक्टेंगल पे दिखा रहा है। मैं इस पे जाके रीजन रेंडर पे वापस से क्लिक कर देता हूँ, तो क्या होगा, अब वो फुल एलिमेंट पे हमारा रेंडर का इफ़ेक्ट दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कंप्लीट उस पर रेंडर का उसने प्रोसेस किया, ठीक है। अब हमें लगता है कि हाँ, मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ जैसे हम चाह रहे थे वैसी आ रही है,
हम इसको क्या करते हैं, इंटरेक्टिव रेंडर को स्टॉप करते हैं। अब हम सेटिंग देखते हैं कि फाइनल रेंडर जब निकालना है तो उसके लिए क्या सेटिंग्स रखनी है। तो उसके लिए क्लिक किया हमने इस पर, यहाँ पे सेटिंग्स, वीडियो एसेट एडिटर पे गए। वीडियो एसेट एडिटर पे कहाँ से जाना है आप देखोगे तो वीडियो टूल जा रहे हैं, यहाँ पे एसेट एडिटर पे जाना है। सबसे पहले सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाके हमने क्या करना है, इंटरेक्टिव तो हमने चेक कर लिया, अब हमें इंटरेक्टिव चेक नहीं करना है तो हमने इंटरेक्टिव को ऑफ़ कर दिया। प्रोग्रेसिव को भी मैंने ऑफ़ कर दिया। क्वालिटी को मैंने यहाँ से इंक्रीज़ कर दिया, आप हाई या हाई प्लस क्वालिटी रख सकते हो अगर आपको अच्छा लेना है तो। बट हाई और हाई प्लस लेने से पहले आई वुड सजेस्ट कि पहले आप लोग मीडियम या लो क्वालिटी पे अपने रेंडर निकाल लो, उस पर अपने एरर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लो। उसके बाद जब आपको लगता है हाँ जी सब कुछ ठीक है परफेक्ट है, तब आप उसको हाई या हाई प्लस पे निकालो, क्योंकि हाई और हाई प्लस पे रेंडर निकलने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब आपकी कमियां जो होंगी, आप हाई हाई प्लस पे आपको एरर आ रही है वापस से पूरा प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर क्या रहता है कि लो और मीडियम पे चेक किया जाए, एक रेंडर निकाला जाए, उसमें अपने एरर्स को फाइंड आउट किया जाए, उसके बाद जब सारी चीज़ें प्रोसेस सही लगते हैं तो हाई या हाई प्लस पे निकालें। ठीक है, आप CPU या RTX दोनों में से किसी पे भी रख सकते हो, CUDA कोर पे भी रख सकते हैं। CUDA पे हम जनरली देते हैं जब हमें CPU और GPU दोनों पे काम करना हो, मैंने अभी वो किया नहीं है। इमेज रेजोल्यूशन जितनी बड़ी इमेज होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा रेंडर निकालने में, लेकिन उतनी ही इमेज की क्वालिटी भी अच्छी होगी। यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। नॉइजिंग मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, आप देखो जैसे हमने इंटरेक्टिव बन किया वैसे नॉइजिंग और बकेट साइज आ गया। अभी हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें वापस से वैसी पुरानी वाली प्री डिफाइंड ही हैं। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, डिनॉइज़र को जाके मैं डिनॉइज़र को स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। आप चाहो तो मीडियम पे डिफ़ॉल्ट पे रख सकते हो, बट मैंने क्या कर दिया है, स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और यहाँ पे जाने के बाद जब सारी चीज़ें परफेक्ट हो चुकी हैं, बस फिर क्या करना है, हमने अपना फाइनल रेंडर के लिए इसको प्रोसेस कर देना है। आपको रेंडर विद वीरे पे क्लिक करना है और यहाँ से आप देखोगे तो रेंडर प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ये आपका रेंडर प्रोसेस स्टार्ट हो गया। पहले कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद फिर आपका स्टार्ट करेगा वो रेंडर निकालना। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ये बकेट आ रही है आपकी, यहाँ से आपका रेंडर बकेट बाय बकेट रेंडर आपका स्टार्ट हो जाएगा। हमारा रेंडर कंप्लीट हो गया।